ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। एक गांव था जहां पर लोग रहा करते थे और उसी गांव में एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग कदम रखने से पहले 100 बार सोचते थे। वहां पर लोग रात तो क्या दिन में भी जाने से कतराते थे और वो जगह थी एक हवेली, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वो हवेली एक भूतिया हवेली है और उस हवेली में कई सारे लोगों की आत्माएं रहती हैं। जब ये बात वहां उस गांव में रहने वाले कुछ लड़कों ने सुनी तब उनके मन में कई सारे सवाल उठने लगे और वो पता लगाना चाहते थे कि आखिर उस हवेली में सच में कुछ ऐसा है या फिर ये सारी बातें सिर्फ मनगढ़ंत है। जब उनसे रहा नहीं गया तब उन्होंने एक फैसला किया कि वो रात के वक्त उस हवेली में जाएंगे और वहां पर जाकर पता लगाएंगे कि आखिर सच क्या है। एक रात वो सभी दोस्त अपने घर पर बिना बताए घर से निकल गए और एक चौराहे पर इकट्ठा हुए। एक दोस्त का नाम आकाश, एक का ऋतिक, दूसरे का नितिन था। वो तीनों एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। बचपन से उनकी दोस्ती चली आ रही थी और लोग उनकी दोस्ती की कस्में खाया करते थे। वो तीनों एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। जैसे ही वो उस हवेली के पास पहुंचे और उन्होंने हवेली को ठीक से देखा तो उन्हें समझ आ गया कि ये काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि वो हवेली बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयानक थी, जिसे देखकर कोई भी मजबूत दिल वाला व्यक्ति डरने पर मजबूर हो जाए। उन तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और आकाश ने कहा, क्या हमें वहां जाना चाहिए? और फिर बाकी दोस्तों ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। और वो तीनों उस हवेली के अंदर घुस गए। जब वो उस हवेली के अंदर घुसे तब उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वहां हर जगह अंधेरा था। वहां पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। जहां पर भी उनकी नजर जाती तो वहां उन्हें मोटी धूल की परत ही नजर आती और कुछ भी नहीं। उसी मोटी धूल की परत में ही आकाश ने एक अजीब सी चीज देखी। वो चीज एक परछाई थी और वो परछाई अचानक से ही आकाश की आंखों के सामने से ही गायब हो गई। और आकाश ने जब ये बात अपने बाकी दोस्तों को बताई तब उसके बाकी दोस्तों ने कहा, नितिन सुन रहा है ये क्या कह रहा है? इसे काली सी परछाई दिखी। ओ भाई आकाश, तुझे क्या लगता है हम तेरी ऐसी दफियानुसी बातों से डर जाएंगे? अरे मैं डरने वाला नहीं हूं, समझा तू? अभी चल मजा आएगा। हाँ माना गंदगी है लेकिन जगह बहुत अच्छी है ना? और फिर आकाश ने कहा, यार जगह तो डरावनी है, खैर और अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर हवेली में क्या क्या है। मैंने सुना है कि कई सालों पहले यहाँ पर एक परिवार रहता था और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, लेकिन आपसी मतभेद की वजह से उन्होंने एक दूसरे की जान ले ली और उनकी आत्मा आज भी इस हवेली में घूमती है। और जब ये बात आकाश के दोस्तों ने सुनी तब उन्होंने कहा, अरे यार ऐसा कुछ भी होता है क्या? चल अंदर चल के देखते हैं, मेरे को पक्का यकीन है ये भूत प्रेत सिर्फ अंधविश्वास है और अंदर चल के हमें कोई भूत प्रेत नहीं मिलने वाला, समझे? चल अब चलते हैं। आपस में बात करते हुए वो तीनों उस हवेली के अंदर घुस गए और उन्होंने हवेली को अच्छी तरह से देखा तो हर जगह गंदगी फैली हुई थी, धूल मिट्टी मकड़ी के जाले और अंधेरा ही अंधेरा, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आकाश ने अपनी पॉकेट से एक टॉर्च निकाली और टॉर्च जलाकर इधर उधर मारने लगा ताकि रोशनी में कुछ नजर आए। और वहां पर पुराने पड़े फर्नीचर और धूल मिट्टी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आकाश ने कहा, यार यहां हम आ तो गए लेकिन
मुझे यहाँ कुछ खास नजर नहीं आ रहा, सब कुछ गंदा ही पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भूत प्रेत है। हाँ, मुझे पहले से ही पता था ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। जब आकाश ये सारी बातें कह ही रहा था, तभी उसने एक कोने में टॉर्च को जलाया और उसने वहां पर एक आदमी को खड़ा हुआ देखा, जिसका पूरा चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और उसकी जो आंखों की पुतलियां थी वो भी सफेद थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आकाश ने जैसे ही उस अजीब से आदमी को देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई, और जब उसके दोस्तों ने आकाश को चिल्लाते हुए सुना तब आकाश ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या देखा तूने? और फिर आकाश ने कहा, वहाँ भी मैंने एक आदमी को देखा और उसका पूरा चेहरा सफ़ेद था और उसकी आंखों की पुतलियाँ भी पूरी सफ़ेद थी। जब ये बात आकाश के दोस्तों ने सुनी तब उन्होंने कहा, कहाँ पर, कहाँ पर? और फिर आकाश ने हाथों से इशारा किया, भाई वहाँ पर देख, जहाँ मैंने टॉर्च की रोशनी करी हुई है वहाँ देख। और जब आकाश के दोस्तों ने उस जगह देखा तो वहाँ उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया, और आकाश के दोस्तों ने हंसते हुए कहा, क्या यार हमें अंदाज़ा नहीं था कि तू इतना ज़्यादा डरपोक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है और होगा भी तो तेरा। आकाश ने कहा, नहीं यार, मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ एक आदमी खड़ा था और उसकी 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 आंखें पूरी सफ़ेद थी, उसका चेहरा भी पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, मैं सच कह रहा हूँ यार। आकाश के दोस्त ने कहा, नितिन यहीं कहीं होगा, देख यहीं कहीं। वो दोनों आपस में ये सारी बातें कर ही रहे थे तभी आकाश ने कहा, अरे वो नितिन कहाँ गया? और आकाश के दोस्त ने यह बात सुनी तब उसने कहा, नितिन अभी तो मेरे साथ ही था, कहाँ गया। तभी उन दोनों की नज़र वहाँ पर सीढ़ियों पर गई तो उन्होंने देखा कि वो जो नितिन था वो बेसुध हालत में चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। और आकाश ने आवाज़ लगाई, ओ नितिन, नितिन वहाँ कहाँ जा रहा है? और नितिन ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा चलता रहा। उसने एक एक करके सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। आकाश और उसका दोस्त ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बार बार आवाज लगाने के बावजूद भी नितिन जो था वो जवाब नहीं दे रहा था। और फिर आकाश और उसके दोस्त को समझ आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों नितिन को रोकने के लिए उसकी तरफ भागे और सीढ़ियों पर उन्होंने तुरंत चढ़ाई शुरू कर दी। सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद उन्होंने नितिन के कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद आकाश ने कहा, क्या हो गया है तुझे, तू ठीक तो है? कहाँ जा रहा है ऊपर, पागल हो गया है क्या? और फिर नितिन ने पीछे मुड़कर देखा और नितिन की शक्ल देखकर उन दोनों दोस्तों की जो हालत थी वो पतली हो गई। और आकाश और उसके दोस्त ने देखा कि नितिन का चेहरा भी पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और उसकी आंखों की पुतलियां भी पूरी सफ़ेद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर आकाश और उसके दोस्त की हालत ख़राब हो गई। आकाश ने कहा, नितिन। तभी नितिन का जो शरीर था उसमें एक अजीब सी कंपन होने लगी और वो अजीब सी आवाज निकालने लगा। ये सुनकर आकाश और उसका दोस्त वहां से भागने लगे और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ गए तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। और जब उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि वहां पर पूरा राज परिवार खड़ा था और सभी के हाथों में चाकू थे। उन सभी का चेहरा सफेद था और उनकी आंखों की पुतलियां भी पूरी सफेद थी और वो सभी एक ही बात कह रहे थे, मार देंगे। उस दिन के बाद से नितिन, आकाश और उसका दोस्त कहां गए इस बारे में कोई पता नहीं लगा पाया।
और कई लोगों का कहना है कि आज भी उन तीनों की लाशें उसी हवेली में सड़ रही हैं और उन तीनों की आत्मा भी उसी हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गई हैं। और जो कोई भी उस हवेली के आसपास से रात के वक्त गुजरता है तो वहां पर उन्हें तीन लड़के नजर आते हैं जो कि गुजरने वाले लोगों को उस हवेली से दूर रहने की सलाह देते हैं।